अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चार बोरिया मिश्रा जी को भेज देना। हाँ ठीक है। और वो कितने? अबे दो। ये नई बहू इस परिवार को खा जाएगी। वाकई में हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो अशोक तुम जैसी धार्मिक बीवी ले आया। इसी बहाने प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहेगी। वैसे भाभी मेरे और अशोक की जोड़ी भी उन्हीं की देन है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। सही कहा तुमने। चार बोरिया कम क्यों है? पता नहीं साहब, गोदाम में जितनी बोरिया थी उतनी सारी ले आया। अजी सुनते हो, जरा बाहर तो आइए, देखिए बोरिया कम लग रही है। नहीं कम है। जरा रजिस्टर दिखाना। देखो ये आज का डेट है। ये देखो ये आज का। अशोक कंपनी में कोई घपला कर रहा है, पूरा हिसाब किताब गड़बड़ाया हुआ है। घपला? हाँ, कंपनी के अकाउंट्स कौन चेक करता है? अकाउंट्स तो भैया चेक करते हैं। क्या हुआ अशोक? भैया चार बोरिया कम है आज। बोरिया कम है? ऐसा कैसे हो सकता है? सारा का सारा अकाउंट्स मैं अपने आप चेक करता हूँ, घपले का तो सवाल ही नहीं होता। भैया आप फिर भी एक बार चेक करवा लीजिए, इसने अकाउंट्स में ऑनर्स किया है, अगर ये बोल रही है तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। किताबें पढ़ना और होता है और धंधा करना अलग बात होती है। खैर मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, शाम तक पता चल जाएगा ये इसके दिल का वहम है या वाकई में कोई घपला हुआ है। ठीक है। अच्छा तुम ये चार मिश्रा जी के घर पे पहुंचा देना, है ना? जब से अशोक ने इस से शादी की है ना, चींटी के भी पर निकल आए। सही कहा तुमने, वरना इस बेचारे अशोक को तो आज तक पता नहीं चला कि हम इसे अपना मानते ही नहीं। लेकिन बहुत तेज है, इसकी हरकतों पे ना ब्रेक लगाना होगा, वरना ये हमारे प्लान का ब्रेक फेल कर देगी। अरे मैंने तो कहा था अशोक से कि सरिता को व्यापार से दूर रखो, उस बेवकूफ ने उसे अकाउंट्स के रजिस्टर दिखा दिया। मगर मैं कहती हूँ इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करवाई क्यों? मैं तो पहले ही मना कर रही थी ना। अरे मना करने की कोई वजह होनी चाहिए ना। आज तक अशोक ने हमसे कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ ये कहा था ना कि सरिता से शादी करा दो। अगर ये नहीं कराते ना हमारे खिलाफ हो जाता वो। सही कहा, अशोक ने अगर हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर उसे शादी की होती तो ये पूरी जायदाद हमारे हाथ से निकल जाती। सही कहा तुमने। वैसे भी तुम तो जानती हो कि हमारे हिस्से की जितनी भी जायदाद थी हम तो बेच के खा चुके हैं। अब जो कुछ भी है इस बेचारे अशोक का ही तो है। धीरे बोलो, उस के कान ना मेरी जुबान से भी तेज है, लेकिन उसे ये नहीं पता हर नेले पे एक ढेला होता है और इस घर में वो ढेला मैं हूं। क्या बात है खुशबू से, तो लग रहा है कि आज फिर से बंगाली खाना बनाया गया। हाँ ये देखो, चलो शुरू करते हैं। भैया एक मिनट, पहले प्रार्थना कर ले। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब तो ऊपर वाले का दिया है, ये खाना भी। चलो हाँ
भैया वो सरिता ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया आज। बताओ। हम सोच रहे थे कि अगर कंपनी का अकाउंट आज से सरिता संभाले तो ये लो पानी पियो। आइडिया अच्छा है पर अशोक सरिता को इसका अनुभव कहाँ है? पर भाभी काम करके ही तो मिलेगा ना अनुभव। देखो सरिता, बाहर दुनिया में बहुत अजीब किस्म के लोग मिलते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बहुत बुरे होते हैं। तुम एक काम करो, तुम घर संभालो, कंपनी मैं संभाल रहा हूँ ना। बिल्कुल सही कहा। क्यों अशोक, भैया ठीक कह रहे ना? आप लोग बड़े हैं, आप लोगों को ज्यादा समझ है। सब ऊपर वाली की कृपा और आपका आशीर्वाद है। अरे हमारी इतनी ही दुआ काम करती तो नई बहू से नहीं मिलवा देती तुम? अरे ताई जी, मैं आपसे मिलवाने ले आई थी पर आप तो गांव गई थी ना। खैर कोई बात नहीं, अब आप आइएगा घर मिलने के लिए। ना बाबा ना, मैं तो उसके पास भी ना फटकू। क्या करे ना ताई जी, अशोक की पसंद है और आप तो जानते हैं आजकल तो हर कोई प्रेम विवाह करता है ना? ऐसी लड़कियां ना पहले प्रेम का जाल बिछाती है और अपने जादू टोना से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है, और तुम भी ना जरा बच के रहना। लेकिन ताई जी आप इतना सब कुछ कैसे जानती है? अरे गांव गई थी मैं, हमारे गांव में भी एक आई है सतरूपा, और पता है पूरे परिवार को गुलाम बना के रख दिया उस चुड़ैल ने। तुम्हें स्कूल में या कॉलेज में कभी किसी लड़के से प्यार हुआ था? अरे कैसा सवाल पूछ रही हो ये? आज मैं बहुत खुश हूं, जिस ध्रुप के इक्के की हमें तलाश थी समझो वो मिल गया। मतलब इस सरिता को रास्ते से हटाने का प्लान मिल गया। हाँ। हे भगवान, ये कौन मेरे घर के बाहर टोना टोटका करके चला गया? भगवान ही बचाए इस परिवार को, जरूर उसी का यकीन धरा है। अरे कहाँ छुप के बैठी है चुड़ैल को? खुला बाहर, बाहर बुलाओ उसे। हाय, क्या हुआ बुआ जी, चिल्ला क्यों रही हो आप? अरे तुम्हारी बीबी ने मेरे घर के सामने काला जादू किया है। ये क्या कह रही है आप, काला जादू? अरे मेरे घर के सामने सब किसने रखा? अरे करना क्या चाहती है तू? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? अरे जब से आई है ना तू, तेरी हरकतें देख रही हूँ मैं, दिन रात मंत्र पता नहीं कौन कौन सा मंत्र इसका चलते रहता है और सब जगह धुआं धुआं। ताई जी क्या हुआ? अरे देखो ना पूजा बिटिया, इस लड़की ने मेरे घर के सामने टोटका किया है, टोटका। सरिता ने? नहीं नहीं ताई जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, सरिता तो बहुत ही प्यारी और भली बच्ची है। अरे भली नहीं, बला है बला। देखना एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ सब पूरे मोहल्ले को खा जाएगी ये। बस बुआ जी देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना। क्या हुआ, आप लोग झगड़ क्यों रहे? अरे समझा दो अपनी देवरानी को, अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना तो अच्छा नहीं होगा। ये ले पकड़ जादूगर। सरिता तुम उनकी बात का पूरा मत लगाओ, वो तो सभी के साथ ऐसी उखड़ी उसी बातें करती रहती है, पर दिल की बहुत अच्छी है वो। पर मैंने कोई काला जादू नहीं किया उनके घर के सामने। पूजा श्रद्धा की तबीयत कैसी है? वैसी जैसे पहले थी, इतने डॉक्टरों को दिखाया पर कोई दवाई काम नहीं आई। माँ हूं ना,
क्या करूं, हार भी नहीं मान सकती मैं। आप दिल छोटा मत कीजिए, मैंने एक बहुत ही बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है श्रद्धा के लिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। थैंक यू सरिता, भगवान करे ये डॉक्टर को चमत्कार कर दिखा और मेरी श्रद्धा बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा मैं चलती हूँ, श्रद्धा की दवाई का टाइम हो गया ना। चलो सरिता। अरे तुम लोग कहाँ चल दिए? वो भाभी सरिता अच्छे मेरे साथ गोदाम जाएगी। वैसे भी आप घर का सारा काम अच्छे से संभाल लेती हो, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं है। चलता हूँ भाभी, चलो। सरिता। जी भैया। मुझे सुनने में आया कि तुम आज गोदाम गई थी, कैसा रहा पहला दिन तुम्हारा? अच्छा नहीं रहा भैया, वहां जाके मालूम पड़ा कि हिसाब के साथ साथ सामान के लेन देन में भी कुछ गड़बड़ी चालू है। साफ साफ बोलो कहना क्या चाहती हो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि ये सारी की सारी गड़बड़ी मैं कर रहा हूँ? चलिए आपने ये तो माना कि वहां कुछ गड़बड़ी चालू है, वरना आप तो यही कह रहे थे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अशोक, अशोक। हाँ भैया। नीचे इधर। हाँ भैया। तेरी बीवी मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है, तू जवाब देगा इसको या मैं? तू बोल। भैया वो सरिता का वो मतलब भी था। मतलब भी था तो मैंने गलत सुना है, मतलब भी था। जल्दी आओ। निर्मला, 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 निर्मला क्या हुआ? अरे बोलो कुछ हुआ? भाभी आप ठीक तो है ना? भाभी तुम बोल रहे हो मुझसे? बोलने वाले ठीक है, तुम काला जादू करती हो। ये क्या कह रही हो आप? ये देखो ये क्या है? भाभी कसम से मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तुमने जानती, हमारे अलावा इस घर में कोई आ सकता है? फिर किसने किया ये? बोले ना किसने किया? भाभी जरूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, पड़ोसी के घर के सामने भी मैंने कुछ नहीं रखा था, और नहीं नहीं यहाँ पे अशोक मैंने कुछ नहीं किया भाभी, मैंने अशोक अशोक इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए इसे यहाँ से ले जाओ, ले जाओ इसे यहाँ से। मगर सरिता अब चलो बाद में बात करते हैं। चलो वैसे ड्रामा बहुत अच्छा कर लेती हूँ तू। मेरी बेटी श्रद्धा ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? आप बाहर वेट करोगे? ये बीमारी बहुत बुरी है जयेश जी, एक बार फेफड़ों में फैल गई तो अंदर के सारे ऑर्गन्स खराब कर देती है। यानी कोई उम्मीद नहीं है डॉक्टर? उम्मीद पे तो दुनिया का है, मैं कुछ दवाइयां लिख के देता हूँ, अगर असर कर गई तो। और अगर असर ना की तो? तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हैं आपके बेटी के पास। नहीं दी, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सरिता यहाँ? इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, ऐसा कहते हैं कि कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटता यहाँ। भगवान करे आज हमारी दुआ भी स्वीकार हो जाए। बिल्कुल होगी, मैं श्रद्धा के लिए खास मंत्र का जाप करूंगी, उस मंत्र में बड़ी ताकत है।
सरिता, तुम हमेशा ये सारा सामान अपने साथ लेके चलती हो? नहीं नहीं, मैंने पहले से सोच के रखा था कि डॉक्टर से मिलने के बाद हम यहाँ आके पूजा करेंगे। तुम्हारी पूजा से अगर हमारी बेटी ठीक हो गई तो हम जिंदगी भर तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक महीन सी रेखा होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हमें वो रेखा कब और कहां खींचनी है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। सरिता का भगवान के प्रति विश्वास अटूट था। इस उम्र में इस तरह भगवान की भक्ति में लीन होना कोई आम बात नहीं थी। उसे यह भी यकीन था कि भगवान हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। वो कहते हैं ना, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। कुछ इस तरह का विश्वास था उसे भगवान पर, जिसके चलते उसने पूजा की बेटी श्रद्धा के इलाज का रास्ता भी भगवान पर छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ निर्मला ये साबित करने पर तुली थी कि सरिता एक डायन है जो काले जादू का इस्तेमाल करती है। सरिता पर यह इल्जाम बड़ा ही संगीन था। आखिर क्या चल रहा था निर्मला के दिमाग में? उसका दिमाग कौन सा षड्यंत्र रच रहा था? और क्या निर्मला अपने नापाक इरादों के चलते सरिता को भगवान के प्रति आस्था दिखाने से रोक पाएगी? और क्या सरिता अपने साथ हो रहे इस षड्यंत्र से अपने आप को बचा पाएगी? आइए देखते हैं। अरे निर्मला, तुम आओ आओ ना, अंदर आओ। श्रद्धा कहाँ है? वो तो अंदर है। उसकी तबीयत कैसी है? वैसी जैसी थी। अब बस हमें इस डॉक्टर पर ही भरोसा है जिसके पास हमें सरिता ले गई थी। सरिता की प्रार्थना काम आ जाए और मेरी बच्ची ठीक हो जाए। देखो, इस सरिता पर ज्यादा भरोसा मत करना। मालूम है उसने मुझ पर काला जादू करने की कोशिश की। क्या कह रही हो तुम निर्मला? देखो, तुम संभल कर रहो, कहीं वो श्रद्धा को भी नुकसान ना पहुंचा दे तंत्र मंत्र से। पर वो श्रद्धा के साथ ये सब क्यों करेगी? ये डायन ना किसी भी हद तक जा सकती है अपनी सुख शांति के लिए। निर्मला, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था। खैर छोड़ो, श्रद्धा से तो मिलवाओ। हाँ, वो अंदर है, सो रही है। आओ आओ अंदर। श्रद्धा, हे भगवान, ये सब किसने किया? श्रद्धा, राख और कुमकुम, जरूर उस काला जादू किया है इसमें। अरे पर वो तो आई नहीं थी यहाँ पर। पीछे का दरवाजा, जरूर यहाँ से आई होगी वो। श्रद्धा बेटा, बड़ा आँख खोल। श्रद्धा बेटा, क्या हुआ मम्मी? ये बेटा, ये सब किसने किया तेरे माथे पर? हाँ, ये कुमकुम राख। हाँ, मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी। हाँ? सारे मोहल्ले वाले सुनो, कल अगर किसी को भी कुछ हो गया ना तो हमें दोष मत देना। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी देवरानी लोगों पर काला जादू करती है। अरे मैंने तो कल ही कहा था, अब किस पर कर दिया? पूछो मत ताई जी, आपके बाद उसने मुझ पर किया और आज तो उसने हद कर दी। उस बीमार बच्ची को, उस श्रद्धा को भी नहीं छोड़ा उसने। क्या? हाँ, आओ देखो उसकी क्या हालत होगी। आओ आओ देखो क्या हालत की है उसकी। हे भगवान, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ सब श्रद्धा, किस मकसद से तूने ये सब श्रद्धा के साथ किया? जान से मारना चाहती थी ना तुम उसे? बोलो ना। पूजा दीदी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने सब कुछ नहीं किया। सरिता, अगर तुमने सच में सब कुछ किया है तो सबको सच सच बता दो तुमने क्या किया, क्योंकि आज भी पूजा के वक्त मैंने
तुम्हारे पर्स में से ये सब सामान देखा था, वो कुमकुम और राख वगैरह सब तुम निकाल रही थी, सब कुछ सच बता दो। पूजा दीदी, वो पूजा तो वही खत्म हो चुकी थी, उसके बाद ना मैं आपके घर आई हूँ और ना मैंने श्रद्धा के साथ ऐसा कुछ किया है। अशोक, अब ना पानी सर से ऊपर गुजर रहा है, संभाल ले। सरिता देखो, सच सच बता दो अगर तुमने ये किया हो। देखो मुझे पता है अगर तुमने किया भी है ना तो इसके भलाई के लिए किया है, प्लीज। तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सरिता मेरी बात सुनो। सरिता मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर दो, यकीन रखो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वाह, सुने अपने भाई की बात, सही गलत हर चीज में इसका साथ देगा। गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है अशोक। इसमें देवर जी की गलती नहीं है, इन्हें भी संबोधित कर दिया है अपने अदाओ और काला जादू से। क्यों? मैंने अशोक से कहा था कि आप दोनों का असली चेहरा जल्द ही सामने आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आएगा। थैंक यू मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए। आपने खुद अपना नकली मुखौटा हटा दिया। सुना आपने, काला जादू ये खुद करती है और इल्जाम मुझ पे लगा रही है। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सरिता कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो वो जा सकता है। अपने माता पिता समान भाई भाभी के प्यार का ये सलाह दे रहा है तू? अगर माता पिता का दर्जा चाहिए ना तो वैसे लक्षण भी दिखाइए। क्या कहा तूने? खबरदार भैया, इतने सालों से जो आपने मेरे साथ बीमारी की है ना, सब पता चल चुका है मुझे। अरे शुक्र मनाइए कि मैं आपको इस घर में रहने दे रहा हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है। ये टायन भाभी, ये मेरी धर्मपत्नी है, अगर सरिता को आपने कुछ भी कहा ना तो आप दोनों को मैं धक्के मार के घर से बाहर निकल दूंगा। क्या हुआ बेटा? मम्मा मुझे सांस नहीं आ रही। क्या कर रहे? कौन से डॉक्टर को दिखाए इसे? दीदी, श्रद्धा की तबीयत कैसी है? चली जाओ यहाँ से तुम। दीदी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हम वैसे बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी और मत बढ़ाओ, चली जाओ तुम यहाँ से। दीदी एक बार श्रद्धा को प्रसाद खिला दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथ से दिया हुआ मैं उसे कुछ भी खिलाऊंगी या पिलाऊंगी? कभी नहीं, चली जाओ यहाँ से तुम। अरे दीदी, खबरदार मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत सोचो, पता नहीं इस प्रसाद में कौन सा जादू टोना करके लाई होगी मेरी बेटी के। जाओ तुम यहाँ से। दीदी मेरी एक बार बात सुनो। दीदी विनोद भैया एक मिनट, इस पे अंगूठा लगाइए तब भी पैसे मिलेंगे। पहले तो कभी नहीं लगाया, मगर अब लगाना पड़ेगा। ताकि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी ना हो। वो क्या है ना, चार किताबें पढ़ के ही बिजनेस करने का सही तरीका आता है। और हाँ, नियत साफ होनी चाहिए, है ना विनोद भैया? लीजिए। जी चलता हूँ। कबूतर को ना उतनी ही उड़ान भरनी चाहिए कि वो चील का शिकार ना बन जाए।
तुम्हारी जो प्लानिंग चल रही है ना पूरे व्यापार को टेक ओवर करने की, इसे सफल नहीं होने दूंगा मैं। भैया अभी आपको मेरी उड़ान का अंदाजा ही कहाँ है? छोटी बहन समझ के एक नसीहत ले लीजिए, बाप का घड़ा ज्यादा दिन भरा नहीं रहता, इसीलिए वक्त रहते ही आप दोनों अपनी गलती मान लीजिए। इसके पर तो मैं काटूंगी, अब देखना कैसे इसकी लंबी उड़ान को मैं नीचे कुचलती हूं। करने के वाली हो तो कोई जरूरत नहीं है पूजा दीदी के घर जाने की। अरे अगर वो लोग नहीं चाहते कि तुम श्रद्धा को प्रसाद दो तो तुम जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। इस वक्त पूजा दीदी और जयेश भैया घर पे नहीं होंगे, मैं जल्दी से प्रसाद खिला के आ जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर श्रद्धा ने उन्हें बता दिया तो? वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, पता है मुझे। नहीं मेरा मन नहीं मानता। अशोक मत रोको मुझे, अगर मेरी पूजा सफल हो गई तो श्रद्धा की जान बच सकती है और उसके माँ बाप पूरी जिंदगी हमें दुआएं देंगे। प्लीज अशोक प्लीज। ठीक है लेकिन संभल के जाना, अगर किसी पड़ोसी ने वापस देख लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। मम्मी ने आपसे मिलने से मना किया है। वो सब एक गलत फहमी थी, ये लो तुम प्रसाद ले लो, फिर देखना तुम कैसे ठीक हो जाती हो। मैं ये प्रसाद खा के ठीक हो जाऊंगी, दोस्तों के साथ खेल पाऊंगी और स्कूल भी जा पाऊंगी। हाँ मुझे पूरा यकीन है। लो आप चाहो दीदी, मम्मी पापा किसी भी वक्त आते होंगे। ठीक है तुम जाके आराम करो, और ये लो ये प्रसाद तुम रखो, शाम के वक्त थोड़ा खा लेना भगवान को याद करके। ठीक है? ठीक है। अपना ख्याल रखना। प्रसाद खिला दो। सरिता सरिता आई थी प्रसाद लेके इसे खिलाने के लिए, पर मैंने उसे घर में घुसने नहीं दिया, मैंने उसे घर में घुसने नहीं दिया। हे भगवान, इसका मतलब तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने ये सब किया, श्रद्धा की बलि दे दी अपनी काली शक्तियों के लिए उसने। मेरी बच्ची को मार दिया ना, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। छोड़ना भी नहीं चाहिए उसे, आज श्रद्धा है तो कल कल हम सबकी बारी आ सकती है, पूरे मोहल्ले को खा जाएगी वो चुड़ैल। हाँ पूरे मोहल्ले को खा जाएगी ये चुड़ैल। श्रद्धा ये
ये क्या हुआ तुम्हें? दीदी ऐसा नहीं हो सकता, मेरी प्रार्थना खाली नहीं जा सकती। ये सब तुम्हारे काले कर्तूत का नतीजा है। जो वक्त से पहले मोहल्ले की सारी बेटियां हमें छोड़कर चली गई, तुमने किया ना ये सब? बोलो ना, तुमने किया ना? जरूर इसके पीछे भी आप ही का षड्यंत्र होगा। मेरी गैर मौजूदगी में तूने मेरी बेटी को प्रसाद खिलाया था कि नहीं? बोल दीदी, वो आया ना? बोल। हाँ श्रद्धा का जाना बड़ा ही अफसोसजनक था, लेकिन सरिता पर आरोप लगाना बहुत ही शर्मनाक था। कमलेश और निर्मला अपने बिछाए हुए जाल में सफल हो चुके थे। वो लोगों के सामने ये साबित कर चुके थे कि सरिता एक डायन है जिसने काले जादू का इस्तेमाल करके मासूम श्रद्धा की जान ले ली है। श्रद्धा पहले से ही बीमार थी और उसकी ये स्थिति बयां कर रही थी कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती, लेकिन लोगों के बीच अंधविश्वास जाग चुका था। वो इस बात पर यकीन कर चुके थे कि काले जादू की वजह से ही श्रद्धा की जान गई। अंधविश्वास, ये शब्द अपने आप में ही बयां करता है कि मैं एक अंधा विश्वास हूं, मुझ पर विश्वास मत कीजिए। निर्मला और कमलेश ने जो बीज बोया था वो एक पौधा बन चुका था। वो अपने नापाक इरादों में कामयाब हो चुके थे। क्या निर्मला और कमलेश के बिछाए हुए जाल से सरिता बच पाएगी, और क्या सरिता लोगों को ये विश्वास दिला पाएगी कि वो अंधविश्वास के अंधकार में जी रहे हैं, और क्या अपनी सच्चाई और ईमानदारी लोगों को दिखा पाएगी? आइए देखते हैं। ये बच्ची बहुत सालों से बीमार थी, इसकी मौत बीमारी की वजह से हुई। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप उस डॉक्टर से जाके बात कर लीजिए जो इसका इलाज कर रहा था। आप कौन? मैं सरिता का हस्बैंड। लाश हल्की हल्की नीली पड़ चुकी है, ये बीमारी से हुई मौत नहीं, जहर देकर की गई मौत है। हाँ तो इसी ने प्रसाद में जहर डाल के खिलाया होगा ताकि इसकी बलि दे सके। अब आप कौन? मैं इसकी भाभी। भाभी होकर देवरानी पर शक कर रही है, कहीं कुछ और बात तो नहीं? कोई और बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, प्रसाद सामने पड़ा हुआ है, आप चेक कर लीजिए ना, जहर उसी में मिलेगा आपको जो इस लड़की ने मिलाया है। इस बात का क्या सबूत कि सरिता ने श्रद्धा को जहर दिया? अरे अभी तो इसने सबके सामने कबूल किया है। आप सब झूठ बोल रहे, सरिता ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना सरिता यहाँ पे आई थी ना इसने इसको जहर दिया। भगवान से डरो अशोक, मेरी बेटी तो चल बसी और तुम अपनी बीवी को बचा रहे। क्या सबूत है दीदी कि सरिता ने श्रद्धा को जहर दिया? क्या किसी ने सरिता को यहाँ पे आते हुए देखा? आप लोग बिना सबूत के सरिता पे इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत भी मिल जाएगा, जिसने भी ये जो कुछ किया है ना बचेगा नहीं। लाश और प्रसाद दोनों की फोरेंसिक रिपोर्ट निकलवाएंगे हम लोग। पर हाँ, आप आई थी ना यहाँ, आपने खिलाया ना प्रसाद? सच सच बताइए क्या हुआ यहाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, इसे सीधे लॉकअप में डालो और दो थप्पड़ पड़ेंगे ना तब सच बता देगी ये। बिना अरेस्ट वारंट के सरिता को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आप हमें हमारा काम ना ही समझाएं तो बेहतर होगा। हमारी इजाजत के बिना कोई भी शहर छोड़ कर नहीं जाएगा, खासकर आप। लाश को फॉरेंसिक भेजो। पुलिस से झूठ क्यों कहा कि मैंने उसे प्रसाद नहीं दिया? देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, और मुझे पता है कि खुनी तुम नहीं हो। लेकिन प्रसाद में जहर, ये कैसे हो सकता है? उसी का काम है
जो बार बार काला जादू का ढोंग करके तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। बस बहुत हो चुका, एक खूनी के साथ एक ही घर के अंदर हम लोग नहीं रह सकते। हमें हमारा हिस्सा दे दो और आप लोग निकलो यहां से। आपका कौन सा हिस्सा? पहले भी बता चुके कि आपकी जमीन, आपका हिस्सा, आपका खेत, आप सब बेच चुके। अब जो भी है वो हमारा है। गलत, इस बची हुई प्रॉपर्टी में भी हमारा हिस्सा है। अभी भी आप वैसे भी अपने हिस्से से ज्यादा ले चुके हैं भैया, इतना लालच क्यों है आपको? देख, मैं ना तेरे से बहस नहीं करना चाहता हूं। ये ले, साइन कर इस पे। तो आप चाहते हैं कि मैं अपना घर, खेत, गोदाम सब आपके नाम कर दूं? वही सही होगा तुम दोनों के लिए, वरना जो हरकत तेरी बीवी ने करी है ना, इस मोहल्ले में कोई चैन से रहने नहीं देगा तुम दोनों को। तुम दोनों के लिए बेहतर यही है, किसी नए शहर में जाओ, नई शुरुआत करो। आप मुझे इसीलिए भगाना चाहते हैं ना, ताकि पुलिस को ये यकीन हो जाए कि खूनी मैं हूं। वो तो तुम हो ही, आज नहीं तो कल तुम जेल जरूर जाओगी। इस देश का कानून अभी तक मरा नहीं है भाभी, सरिता खूनी नहीं है, और जो खूनी है ना वो जल्दी पकड़ा जाएगा। ए, फालतू की बहस नहीं करना चाहता मैं, तू ये बता साइन कर रहा है या नहीं? माफ कीजिए भैया, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात का फैसला ना पंचायत करेगी। अब श्रद्धा के माँ बाप ने अगर पुलिस को नहीं बुलाया होता, नहीं तो हम तुम्हें इस गांव से कब का बाहर निकाल चुके होते। उसकी चिंता मत कीजिए पंजी, इसका जेल में सड़ना तय है। अब आप हमें इंसाफ दिलवाइए, इन दोनों ने हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हड़प ली है, हमें वो चाहिए बस। झूठे ये। अब ये देखिए, ये देखिए, इन लोगों ने अपने हिस्से की जमीन पहले ही बेच चुके हैं। तो जब मैंने प्रॉपर्टी बेची थी तो अशोक ने भी उस पर साइन किया था। वो साइन इन्होंने धोखे से ली थी। अशोक इन पे इतना भरोसा करते थे कि बिना पढ़े ही कागज पे साइन कर देते थे। ए लड़की, ये इन दोनों भाइयों का मामला है, तेरा इसमें क्या काम? सही कहा आपने, आज अगर इनके माँ बाप जिंदा होते ना उन्हें बहुत दुख होता। ये डायन दो भाइयों के बीच में फूट लगा रही है। तुझे क्या चाहिए? हाँ, पैसे के लिए तू ये कर रही है ना, सब ले ले, लेकिन हमें बख्श दे। मैं नहीं चाहती श्रद्धा के बाद किसी और की बलि चढ़े यहाँ पे तेरे काले जादू से। अभी बंद करो, बंद करो ये नाटक। तुम लोग वो कागज लेके आओ, पुरानी जमीनों के बेचे हुए, उनको देखने के बाद में ही हम तय करेंगे कि किसका कितना हिस्सा होगा। अगली सभा दो दिन के बाद, तब तक कागजात तैयार करवाइए। जी। भले ही पुराने पेपर पे अशोक के साइन हो, मगर इससे ये साबित होता है कि हमने हमारा हिस्सा पहले ही ले चुके हैं। सही कह रही हो तुम, एक मामूली सा वकील भी इस पेपर को देख के बता देगा कि इस प्रॉपर्टी में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। अब ऐसी तरकीब लगानी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसी बातें कर रही हो निर्मला, ऐसी कोई तरकीब नहीं है, हम ये बाजी हार चुके, मान लो इस बात को। अभी नहीं, त्रुप का इक्का अभी बाकी है। वकील साहब से बात हो गई ना? हाँ, लेकिन एक बार जाके मिल आता हूँ तो केस और स्ट्रांग हो जाएगा। रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त बस मिलेगी शहर के लिए? 11:30 की आखिरी बस। संभल के जाना, कल तक लौट आओगे ना? हाँ बाबा। पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है। परेशान क्यों हो रही हो? तुम तो मेरी बहादुर बीवी हो ना, और फिर तुम्हारे भगवान जी तो है, संभाल लेंगे तुम्हें। जल्दी लौटाऊंगा।
सरिता, 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 सरिता क्या कर रहे हो? क्या हुआ सरिता? चुरा नहीं, चुरा नहीं, तुम तो नहीं मारे इसे हम लोगों ने मार डाला सरिता, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये देखो, इसने हमारी तस्वीर में नींबू कुमकुम और राख रखी है। हम पर काला जादू कर रही थी ये डायन, लेकिन बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। लगता है इसका काला जादू उल्टा इसी पर असर कर गया। दोनों भाइयों के बीच में फूट लगाने की सही सजा मिली है। अब ना हम लोगों को अलग होने की कोई जरूरत नहीं है ना? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। देख, हम लोग साथ साथ खुशी खुशी रहेंगे। अच्छा, मैं क्रियाकर्म की तैयारी करता हूँ। अशोक, 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 संभालो अपने आप को। देखो, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है। निर्मला, तैयारी करनी है, इधर आओ। हाँ, हाँ, हाँ। तेरा प्लीज उठो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा सरिता, प्लीज उठो सरिता, सरिता। चलो, अच्छा हुआ क्रियाकर्म भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। बेचारी लड़की बहुत अच्छी थी, पर बेवजह उसने हमसे पंगा ले लिया। अगर दबकर रहती तो जिंदा रहती। खैर, अशोक भी पहले की तरह दबा हुआ रहे, इसी में उसकी भलाई है, वरना सरिता की तरह उसे भी रास्ते से हटाना होगा। अरे अशोक, तू कब आया? उस वक्त जब आप दोनों बेशर्मों की तरह अपना जुर्म कबूल कर रहे थे। क्या बकवास कर रहा है तू? जुर्म? कौन सा जुर्म? ये ब्रेसलेट मुझे सरिता के हाथ में मिला है, आप ही का है ना भाभी? ये तो शायद मारते वक्त उसके हाथ में रह गया होगा। वो छटपटा रही थी ना वो। चलिए बता, सबूत क्या है तेरे पास? पुलिस के सामने भी यही कहा था ना तूने, सबूत चाहिए मुझे। तू बता, तेरे पास क्या सबूत है कि हमने ही मारा तेरी बीवी को? अब तो तुम्हारी बीवी की लाश भी जल चुकी है, कैसे साबित कर सकते हो हमारा जुर्म? पुलिस के पास तो मैं तभी चला जाता जब मुझे ब्रेसलेट मिला था। तुम भी, मेरा इरादा कुछ और है। मैं आप दोनों को सजा खुद देना चाहता हूं। ज्यादा तड़ी मारने की जरूरत नहीं है, सदमे की वजह से ना तू होश में नहीं है, सर घूम गया तेरा। जा आराम कर, कल सुबह बात करेंगे। बात करने को रह क्या गया भाई? आप दोनों ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी सरिता को मार डाला, अब मैं आपको मारूंगा। मार डाला, लेकिन आप फिक्र मत करो भाभी, मैं आपको नहीं मारूंगा, आपके लिए यही सजा है। आप दोनों ने मुझसे मेरा प्यार छीना है, और देखो मैंने आपसे आपका प्यार छीन लिया।
ये सब घर पैसे जायदाद इसी के लिए किया था ना आपने? मुबारक हो, सब आपका ही है। मैं जा रहा हूं अपने आप को पुलिस के हवाले करने। सरिता की भगवान के प्रति आस्था को काले जादू का रूप दे दिया गया। ये महज एक साजिश थी, लेकिन इस साजिश में केवल निर्मला और कमलेश ही शामिल नहीं थे, बल्कि पूरा का पूरा गांव शामिल था। निर्मला ने सरिता की भगवान के प्रति आस्था का नाजायज फायदा उठाया। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा बिल्कुल ना दें। ये जादू टोना, काला जादू, डायन, चुड़ैल, ये सिर्फ एक शब्द है, सच्चाई नहीं है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।